ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। देश में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है या देश में मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, खतरे में है तो केवल परिवारवाद खतरे में है। और जितने दल हैं सब परिवारवादी दल हैं, वंशवादी दल हैं, जो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व देश की राजनीति में बना रहे। इनको तो आप जानते ही होंगे, यह भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि सांसद है भाजपा से और लगातार जीते आ रहे हैं, और जिसका के घमंड कहें या फिर उनकी शक्ति कहें, भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने को मिली थी। जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बार बार यह चेताया कि उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और ब्रिजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस ने यह भी बयान दिया था अदालत में कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हमें मिल गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह किस छवि का नेता है। लेकिन अब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है, और इंडिया गठबंधन जिस तरह से बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह देखिए क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से भारत के इतिहास में लेकर जाते हैं बातों को, और कहते कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी ऐसे गठबंधन बना था लेकिन वो गठबंधन की सरकारें चल नहीं पाई थी। आइए दोस्तों आपको दिखाते क्या कुछ कहते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। एक गठबंधन जब इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी 1975 में बना था, 77 में चुनाव हुआ था, लेकिन इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, लेकिन 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बने थे और मध्यावधि चुनाव हुआ था। यही एक देखने को मिलता है विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में, उस साल भी 2 साल के अंदर 2 चुनाव हुए, अंत में सरकार गई और देश के हालात ऐसे हो गए थे कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था कामकाज करने के लिए। ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। देश में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है या देश में मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, खतरे में है तो केवल परिवारवाद खतरे में है। और जितने दल हैं सब परिवारवादी दल हैं, वंशवादी दल हैं, जो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व देश की राजनीति में बना रहे। नाम लेकर के एक एक को गिनाया जा सकता है, ये वंशवादी दल है। और इंडिया गठबंधन ये पूरा नहीं होगा, और पूरा हो भी जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में मोदी जी की सरकार इस देश की जनता बनाने जा रही है। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है वंशवादी दल है, बिल्कुल गलत दल। किसी आप बताइए कांग्रेस में कहिए गिनाओ है क्या, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद जो है संजय गांधी, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल के पहले सोनिया गांधी, अब वही प्रियंका गांधी, बीच में कौन है भैया। तो आपने देखा दोस्तों, ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो आरोप लगा रहे इंडिया गठबंधन पर, जो दल इंडिया गठबंधन में शामिल है कि सबके सब परिवारवाद वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा, और जिस तरह से उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक वंशवाद का उन्होंने नारा दिया कि यह सब वंशवाद और परिवारवाद वाले दल मिलकर इंडिया गठबंधन बना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पर यह आरोप पहले भी लगता रहा है, और तो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह तक कहा जाता था कि कोई भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से अलग नहीं बन सकता, क्योंकि आपको पता होगा पहले सोनिया गांधी थी, फिर राहुल गांधी बने, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और नहीं बन सकता, अब यह उनके मुंह पर कड़ा तमाचा है। तो आपको बता दे, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की बात करते हुए कहा कि शिवपाल भी उनके बीच में नहीं घुस पाए, और भी जयंत चौधरी है उनका भी यहीं पर नाम लिया, और भी अन्य बहुत सारे जो भी दल गिनाए उन्होंने, उनमें यह कहा कि वंशवाद और परिवारवाद को यह दल बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं आपको बता देखे, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे नेता है जो अपने ही पुत्र पुत्रियों को आगे बढ़ा रहे राजनीति में। ऐसा नहीं है कि अकेला अन्य दलों में हो,
यह सभी दलों में होता है। कौन नहीं चाहता कि उनका बेटा भी राज करे अपने क्षेत्र की जनता पर। दोस्तों, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यहां पर आरोप लगाया इंडिया गठबंधन पर वंशवाद और परिवारवाद का। हालांकि विरोधी भाजपा पर भी आरोप लगाते रहते कि अमित शाह का बेटा, राजनाथ सिंह के बच्चे, शिवराज सिंह चौहान के लड़के, ये सब भी राजनीति में सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल लगातार सोशल मीडिया पर भी ट्रोल करते रहते जय शाह को। वो कौन सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का प्लेयर है जो उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। और भी न जाने भारतीय जनता पार्टी के कितने ही ऐसे नेता है जो वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापिस यह आरोप विरोधी पार्टियों पर लगाती रही है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है तब से लेकर काफी ज्यादा विरोध हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का और इंडिया गठबंधन का आपस में। और यही कारण है कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति का लगातार आरोप लगता रहा है कांग्रेस पर और यह भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।